जनपद रुद्रप्रयाग को स्वच्छ रखने और सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के उद्देश्य से नगरपालिका के द्वारा आर्मी बैंड से मुख्य बाजार होते हुए बेलड़ी बाजार तक जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चे, क्षेत्र की महिलाएं, नगरपालिका कर्मचारी और पर्यावरण मित्रों ने लोगों से रुद्रप्रयाग नगर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करने की अपील की। आज जिलाधिकारी के कहने से नगर पालिका ने ये जो प्लास्टिक मुक्त रैली निकाली है, तो मैं ये सोचती हूँ कि नगर पालिका जो है चार धामों की तीर्थस्थली भी है और आने जाने यात्रियों को भी थोड़ा यहाँ पे साफ सफाई दिखाई देगी। तो मैं नगर पालिका से यही अपील करती हूँ कि अपने नगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए, कि बाहर भी इसका मैसेज चले जाए, आने वाले तीर्थ यात्री भी यहाँ पे मतलब जो साफ सफाई है इसका आनंद ले सके। देखिए ऐसा ना कि जैसे पालिका क्षेत्र अंदर या पूरे शहर में कहीं भी पॉलीथीन वगैरह या सिंगल यूज प्लास्टिक का या प्लास्टिक में जो चीज़ें आती हैं उनका उपयोग जो होता है ना, तो उसके लिए तो प्रावधान तो ये है कि अगर उपयोग अगर कोई करता है तो हम उसको जो है चालान वगैरह करते हैं। लेकिन जैसे आप ये देखेगा ना कि चालान करना कोई इतना बड़ा उपाय नहीं है, तो जनता को जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई है कि आप जो है स्वयं से ही ये पॉलीथीन वगैरह सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, प्लास्टिक में जो सामान है जो पर्यावरण के लिए घातक है उसको जो है आप बंद कर दे। सर्वप्रथम मैं स्वतः स्फूर्त होकर जिस प्रकार से आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं और सहयोग देते आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो हमारे कार्यक्रम में आकर के हमें इस चेतना के स्तर को जो आप लोग समाज को समाज के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचा रहे हैं उसकी मैं आपका स्वागत करता हूं।